बाबा साहब अम्बेडकर वो मनीषी थे, वो ताकत थे जिन्होंने आज हमें इतना बड़ा सामाजिक दृष्टिकोण दिया, आर्थिक दृष्टिकोण दिया, वैधानिक दृष्टिकोण दिया और एक प्रकार से समाज और राष्ट्र संचालन की जो मूलभूत विधाएं हैं उन मूलभूत विधाओं के फाउंडेशन में उन्होंने अपनी ताकत जोड़ी। बाबा साहब आम्बेडकर कहा करते थे कि हिंदुस्तान में औद्योगिकरण होना जरूरी है और वो कहते थे कि दलितों के पास जमीन नहीं है, वो जमीन के मालिक नहीं है, उनको अगर रोजगार दिलाना है तो जिसके पास जमीन नहीं वो कहां जाएगा। औद्योगिकरण इसलिए भी होना चाहिए कि समाज के दलित पीड़ित शोषित वंचित के रोजगार के अवसर पैदा हो। जब पुरुष के लिए भी सम्मान के दिन नहीं थे, उस समय दलित पीड़ित शोषित वंचित समाज अपमान का शिकार हो चुका था, ऐसी अवस्था में भी इस महापुरुष को यह विचार आता है कि ये तो ठीक, महिलाओं को भी उतना सशक्त बनाना चाहिए ताकि वो विकास यात्रा में कंधे से कंधा मिलाकर इक्वल पार्टनरशिप की कल्पना की थी। बाबा अम्बेडकर जी ने हर चीज के केंद्र में शिक्षा को एकदम टॉप प्रायोरिटी दी है, बाकी सब भाई पहले पढ़ो, कठिनाई में भी पढ़ो, पढ़ोगे तो दुनिया वो एक चीज है तुमसे लूट नहीं सकती। ये पढ़ने का जो उनका आग्रह था, पढ़ाने का जो आग्रह था, और ये यही है जिसने समाज को एक नई ताकत।